अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा जो ये प्रोग्राम है एक दिन की नेकी, आप यकीन जाने कि इसको करके खुशी भी बहुत महसूस होती है, सुकून भी बहुत मिलता है और बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिनसे जिनको सुनने का मौका मिलता है और आप तक पहुँचाने का मौका मिलता है। और आज मेरे साथ एक और बहुत प्यारी बहन बैठी हैं, फातिमा नाम है इनका, आपसे मुलाकात कराते हैं इनकी और इनकी लाइफ में जो कुछ है ये आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस गुजर रही है ऐसे, कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ। और आप लोगों को क्या कहूँ, मेरी बेटी एक बीमार है, मेरा शोहर भी बीमार है, उसकी एक वाल बंद है दिल का और मेरी बेटी के दिल में सुराख है। मेरे शोहर के एक गुर्दा में बीमार है, वो बहुत कमज़ोर है, कमा नहीं सकती। वो दिन में 300-500 लेके आती हूँ, वो पैसे से हम लोग गुजारा करती हूँ। मेरे पास 5 लड़की है, एक लड़का है, लड़का 3 साल का है, तो फिर हम लोग कैसा चलती हूँ। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग बसते हैं जिनके पास पढ़ाई नहीं है, कारोबार नहीं है। जो यंग बच्चे हैं वो नशे में लग गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने, जब कैमरा हमारा रिकॉर्ड पे नहीं था, जारी जब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, हम भी बहुत लिहाज करते हैं हर बात का। तो इन्होंने बड़ी एक इस तरह की बात की कि मेरी बेटियों के साथ, जो मेरा बेटा, मेरा एक ही बेटा, बड़ी दुआओं के साथ मैंने मांगा, यही कहा आपने। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वक्त भी आए कि मुझे किसी को देना पड़े तो मैं दे दूँगी, ताकि ये बच्चा जो पढ़ लिख सके, इस प्रोग्राम को ज़ाया ना जाने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा का वास्ता कि आप इन लोगों को देखें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगी कि किधर हैं आप लोग, असल लोग तो ये हैं, इनके हकूकों के लिए कौन आएगा, इनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इनको खाना कौन देगा। ये लोग बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी में हैं। खाने पीने को तो छोड़ें, मतलब इलाज तो इन लोगों के लिए है ही इम्पॉसिबल, खाने पीने को भी नहीं होता। अभी इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं? ऐसे बहुत लोग हैं। कब उठेंगे हम लोग, कब करेंगे इन लोगों की मदद? तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं यहाँ पे आती हूँ, इन लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मकसद यही होता है कि क्या पता मुझे देख के आप इस प्रोग्राम पे रुकें और लोगों के जो मसाइल हैं आप उसे सुने और इन तक पहुँचें और जितना हो सके इनकी मदद कर सके। क्या यहाँ पे कोई स्कूल ऐसा नहीं बन सकता कि सारे बच्चे जो नहीं पढ़ सकते ये सब पढ़ें? तो कितने बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा इससे। इनकी आइए मदद कीजिए और इन्हें अपनी दुआओं में और अपनी नेकियों में शामिल कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए मेरी प्यारी बहन, बल्कि मैं, क्या नाम है इनका, आपकी बेटी का? सीमा। ये लो सीमा, थोड़े से पैसे हैं और थोड़ा राशन भी है और ईद के जोड़े भी हैं, चाहे तो आप रमज़ान में पहन लीजिएगा सिलवा के। और मेरी दुआ है फातिमा कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करें और सेहत दे आपकी बेटी को भी। बेटी का इलाज चल रहा? नहीं चल रहा, पैसा नहीं है ना मेरे पास, कहाँ से किधर से चलाऊंगी। जहाँ जाती हूँ वहाँ पैसा मांगती हूँ, दिल में सुराख के लिए बहुत पैसा लगती है ना, कहाँ लेके जाऊंगी इसको। यकीन जाने जब भी आप लोग ऐसी बात करते ना तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मेरी बेटी लोग बोल रहा था अम्मी का पड़ा दे दो। हाँ। कसम खा के बोलती हूँ, देखो बहन मेरे पास 1,000 रुपया भी नहीं है, मेरी बेटी लोग को कपड़ा देना, अगर कोई देगा तो बस मेरी बेटी लोग पहनेगी। मैं समझ सकती हूँ फातिमा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। और मैंने तुम्हें कहा है कि आप मेरी बहन हो, तो आप जब मेरी बहन हो तो मैं आपका, इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। ये ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए नहीं आए, ये तो अल्लाह है जिसने हमें मिलवाया है ना। और अभी इंशाल्लाह ताला आप खाना भी खाओगी, जो सामान आया है इसमें से, इसमें बहुत कुछ है, दाल सब कुछ है, मतलब आप जो चाहोगी राशन में खाने बनाने में, बनाना, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ राबता रहे। सही है ना, बहुत ख्याल रखना, रमजान मुबारक। अभी जो दिया आप लोगों ने वो पका के खाऊंगी हम लोग,
माँ बेटी बस सब बैठ के ना अभी काम निकाला। देखे आप, ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं कि ख्वाहिशें नहीं खत्म होती हैं भाई, फ्रिज में खाने पड़े हैं, तौबा करें। मैं तो यही कहूंगी आपसे, अस्तग़फिरुल्लाह करें आप। देखें आप, मैं तो इनको थैंक यू कहूंगी कि इन्होंने इतना वक्त दिया अपना और ये मेरे साथ बैठी, इन्होंने बात की और अपने दिल की बात की और अपनी मर्जी से बात की कि पता लगे कि ऐसे भी तो लोग हैं। हमें पता होता है लेकिन फिर भी हमें रिमाइंडर्स चाहिए होता है। आप ऐसा करना, ईद में मेरे बच्चों को कपड़ा देने के लिए मुझे कुछ मदद करना। मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं, मैं इनके भिजवाऊंगी कपड़े आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।